तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा मैसेज बॉक्स ऑटोमेशन में। हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में बात की थी इनपुट बॉक्स के बारे में, और आज हम बात करेंगे मैसेज बॉक्स के बारे में कि मैसेज बॉक्स क्या होता है, कैसे होता है और उसकी जो डिटेल्स है। हालांकि मैसेज बॉक्स को मैंने इससे पहले इस बैच में बहुत सारे जगहों पर यूज किया है, बट जस्ट सिंपल यूज किया है, उसके कंटेंट तो उसमें और भी बहुत सारे ट्रिक्स जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज की हमारी इस क्लासेज में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आशीष जी है, अमित जी और नीरज जी है जो कि जूम ऐप से ज्वाइन किया उन्होंने। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो मैं स्क्रीन देता हूं ताकि आप मेरी एक्सेल शीट को देख सकें। तो हम बात करने जा रहे हैं मैसेज बॉक्स के बारे में। आखिर मैसेज बॉक्स होता क्या है? देखिए क्या होता है कि जब कुछ आप प्रोग्रामिंग देते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ ये चीज हो गया, या फिर कंफर्मेशन लेना होता है। तो उस केस में हम यूज करते हैं अपना मैसेज बॉक्स के बारे में। तो चलिए इसी मैसेज बॉक्स को आज हम इस कोर्स में यूज करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत होता है। जैसे अभी मैंने क्लोज किया था, यू वांट टू सेव का ऑप्शन दिया, ये भी एक मैसेज बॉक्स का ही एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, फिर पूछता ना डू वांट टू सेव, पूछा, तो ये भी एक तरह का मैसेज बॉक्स ही है। इसी तरह का मैसेज बॉक्स आप यूज कर सकते हो क्योंकि प्रोग्राम रन करने से पहले आप कंफर्मेशन ले लें ताकि ऐसा लगे गलती से प्रोग्राम रन हो गया है। तो यहाँ पे हम मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट MSG ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब सिंपल सा जैसे कि आप देते हैं MSG बॉक्स, और यहाँ पे आपने दे दिया कि प्लीज एंटर, या फिर हाय या ओके या कोई भी ऐसी कंफर्मेशन आप देते हैं, तो जस्ट आपको इस मैसेज को प्रिंट करता है। देखिए इसके भी बहुत सारे अलाइनमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कैसे जानेंगे इसके? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कि dim m as a integer, और फिर यहाँ m equal to msg box, और ब्रैकेट में सबसे पहले प्रॉम्प्ट कि मैसेज क्या लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे डू यू वांट टू सेव क्वेश्चन, जाता है बटन, किससे बटन क्या होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो एक ही बटन होता है ओके का, बाकी यहां पे हम अपने हिसाब से बटन यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया यस एंड नो। उसके बाद आता है टाइटल, कि ऊपर जो टाइटल होता है वो टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल हमने दे दिया प्लीज कंफर्म। उसके बाद हेल्प फाइल बगैर कोई खास इसमें नहीं, इसको छोड़ देता हूं। अब जब मैं प्ले करूंगा, तो प्ले करते समय आप देख रहे हैं डू वांट टू टेक का ऑप्शन आया, यस एंड नो। अगर मैंने यस पे क्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ एन के ऊपर एक, मैं माफ कीजिएगा मैं एक काफी टाइम से ओपन है, क्या होता मेमोरी दिखा रहा, मैं दोबारा एक फुल को ओपन करता हूं। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट आरा ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हमने दिया dim m as a string, string नहीं long, यहाँ पे इंटीजर होता है, माफ कीजिएगा इंटीजर या लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि जो मैसेज बॉक्स रिटर्न करता है और नंबर रिटर्न करता है। यहाँ पे हम देते हैं msg box, और यहाँ पे Do you want to save? और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसमें हम देते हैं अपना बटन, जो बटन हमें देना होता है, जैसे हमने यहाँ पे बटन दे दिया यस एंड नो एंड कॉमा टाइटल कि प्लीज कंफर्म।
ये हमारा मैसेज। जब मैसेज बॉक्स आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, या मैंने यस पे क्लिक कर दिया तो ये एम के ऊपर वीवीएस हो गया। आगे मुझे इसको यूज करना होगा तो हम इफ एम इक्वल टू वीवीएस देन, और जो आप देना चाहते हो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं इसके माध्यम से, जो भी देना चाहते हैं, और नो पे जो देना चाहते थे नो के लिए कंडीशन या एल्स लगा दीजिए और नो पे दे सकते हैं। बट यहाँ चीज और है, अब इसमें मैं प्लस करता हूँ वीवी क्रिटिकल, यहाँ दिख रहा है आपको वीवी क्रिटिकल। अब वीवी क्रिटिकल प्लस करने से बेनिफिट क्या होगा कि जब मैं इसको रन करूंगा एक साउंड आएगा और एक क्रॉस का निशान आएगा। दूसरी तरह से अगर मान लो तुम क्रिटिकल ना करे तो इसमें एक और है, एक है आपका क्वेश्चन। क्रिटिकल के बाद नीचे देखेंगे तो वीवी क्वेश्चन, क्वेश्चन में साउंड नहीं आएगा बट क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें आता है एक इंफॉर्मेशन, वीवी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में फिर वो आई का सिंबल आएगा और एक मैसेज, एक साउंड भी आएगा। ठीक है सर, इससे क्या भी प्रायोरिटी पता चलता है, जैसे मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो हम उसमें क्रिटिकल डालते हैं, इसमें कोई आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला सिस्टम हुआ तो इसमें ये आपको देते हैं वीवी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, कुछ पूछना है क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देंगे क्योंकि हम इसमें पूछ रहे हैं ना, तो वीवी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हम रन करेंगे तो वीवी क्वेश्चन आएगा। इसमें प्लस करते हैं तो इसमें और भी चीजें हैं, वीवी डिफॉल्ट बटन वन, इसे बटन जब नहीं डालेंगे तो इसका होता है बटन को एक ही डाल सकते हैं ना, इसी तरह से इसका भी यूज होता है, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ट्राई एंड इग्नोर, अवॉइड ट्राई इग्नोर करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, बट यस नो नहीं डालना पड़ेगा आपको, ये सारे बटन के टाइप है। प्रतीक जी समझ में आ गया कि बटन का टाइप क्या है और क्या क्या डाल सकते हैं मैसेज बॉक्स में, और कैसे मैसेज बॉक्स से कंफर्मेशन लेंगे और उस कंफर्मेशन को कैसे यूज करेंगे इस कंडीशन के थ्रू। प्रतीक जी, रीरा जी, कोई डाउट उसमें? बात करते हैं इससे आगे की चीजों पे। अब जैसे मुझे मैसेज बॉक्स के ऊपर कोई मैसेज, मुझे मैसेज प्रिंट करना है, बट मुझे मैसेज जो प्रिंट करना है वो दो लाइन का होना चाहिए। उस सब्जेक्ट आ रहा स्लैश वन ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब मैं यहां पे करता हूं एम एस जी बॉक्स, तो यहां में हम कर दिया कि प्लीज चेक मोबाइल नंबर, मान लीजिए हमने एक मैसेज दे दिया और फिर हमने इसके साथ एम परसेंट लगा के लिखा वीवी न्यू लाइन और फिर एम परसेंट लगाया और हमने वीवी न्यू लाइन एम परसेंट लगाया और फिर हम यहां लिखते हैं प्लीज एंटर इन दिस। अब इससे क्या होगा कि जब मैसेज बॉक्स हमारा प्ले होगा तो इसमें एक लाइन नीचे आएगा। अगर मान लीजिए मैं वीवी न्यू लाइन ना लगाता तो क्या होता, अब मैं इसको हटा देता हूं एन परसेंट सीधे कर देता हूं या डायरेक्ट लिख देता हूं तो क्या होता कि पूरा एक लाइन में दिखता। तो जब आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो तो वहां पे आप वीवी लाइन दे सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे, मैंने एक फॉर्म, तो वीवी फॉर्म था और वीवी फॉर्म बनाया और वीवी फॉर्म में मैं कोई डेटा एंट्री कर रहा हूं, जैसे नेम सिटी और अमाउंट, तो नेम पूजा, सिटी पुलिंग और अमाउंट मान लीजिए 500, तो मुझे मैसेज बॉक्स में इसी फॉर्मेट में शो करे कि आप डेटा क्या एंट्री करने वाले हो। बहुत सारे वेबसाइट ऐसा होता है कि फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने के बाद एक लिस्ट देता है कि आपने फॉर्म भरा है क्या सही है, देन आप ओके करते हैं तब जाके एक्सेप्ट होता है। तो मैं पूरी की पूरी मैसेज को अपने मैसेज बॉक्स में लाना चाहता हूँ मैसेज फॉर्म में,
यहाँ हम इसी चीज को करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि अब मैं मैसेज बॉक्स पे तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि लंबी होता है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ डिम एम एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ एम इक्वल टू हम करते हैं एम एस जी एम इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे बिलो आर एंटर्ड डेटा, फिर यहाँ पे n% वी न्यू अलाइन n% प्लीज चेक बिफोर सबमिट। हो गया, फिर n इक्वल टू m के साथ यहां होगा वी न्यू अलाइन, और इसके न्यू लाइन, और इसके साथ होगा नेम, और n% वी टैप, ये एक ही लाइन में चाहिए, लाइन तोड़ना नहीं है, बस टाइप का स्पेस चाहिए इसमें। फिर यहां पे सिटी, फिर n% वी टैप, और फिर इसमें हो जाएगा अमाउंट, और फिर इसको यहां हम पेस्ट करते हैं, और यहां नेम की जगह पे रेंज दे दीजिए कि रेंज ए टू डॉट वैल्यू, रेंज बी टू डॉट वैल्यू, और यहां पे रेंज सी टू डॉट वैल्यू, और उसके बाद एम एस बी बॉक्स में हम एम को डाल देते हैं। अब देखिए किस तरह से आपको दिखेगा। ओके, एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम है, एम इक्वल टू वी वी न्यू लाइन प्लीज एंटर, ओके यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, लाइन में डब्ल्यू हो गया। अब देखते एकदम परफेक्ट है। अब इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि दोनों के बीच में एक गैप आए, तो मैं यहाँ पे n% न्यू लाइन कर दिया। अब क्या हुआ कि अब दो गैप आएगा तो अब अच्छा लगेगा, नहीं इसमें नहीं, इसमें तो ठीक है यहां। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि कंफर्मेशन देना कंफर्म यस एंड नो ओके या ट्राई कैंसल, तो यहाँ पे आपको इस मेथड को यूज करना पड़ेगा जो कि मैंने ऊपर बताया है। ठीक है अतीश जी, अतीश जी, अमित जी, कोई डाउट इसमें? नो सर, कंप्लीट। ठीक है आगे बढ़े। Yes, अब मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं मैसेज बॉक्स में पूरा का पूरा एक चीज को ही डालना चाहता हूँ, पूरी की पूरी शीट को ध्यान से देखिएगा। जो कि 23 रो है और 8 कॉलम है, तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। यहां पे तो यहां पे हम सब्जेक्ट आरआर प्लस 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे देते हैं कि 4 i इक्वल टू चले 1, 2, 23, 23 है ना, 23, और फिर यहाँ पे होगा 4 j इक्वल टू चले 1, 2, 8, और यहाँ पे नेक्स्ट i, नेक्स्ट j, और नीचे हो जाएगा हमारा नेक्स्ट i। ये हमने लूप डिफाइन किया, दो लूप,
लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा कि m एज ए स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ m इक्वल टू m के साथ vv टैग और उसके साथ हो जाएगा हमारा सेल्स i कॉमा j डॉट वैल्यू, एक लाइन हुआ m के साथ। और नीचे हम यहाँ m इक्वल टू m के साथ एरो vv न्यू लाइन, उसके बाद यहाँ हम msg बॉक्स के अंदर m को इंक्लूड करें। अब इसको प्ले कीजिए दीजिए, हो गया सर। तो पूरी की पूरी शीट की डेटा को या शीट की कंडीशनल डेटा को आप ला सकते हैं। अतीत जी, अमित जी, समझ में आया आपको? जी सर। हाँ, तो जैसे जैसे कि बहुत बड़ा का मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा है, अब आप किसी पे होमवर्क दे रहा हूं मैं, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेटा है मान लीजिए, और जैसे मैं माइक्रो रन करूं मुझसे एक पॉपअप पूछे रीजन या सिटी, आपको अपने हिसाब से छोटा सा सैंपल डेटा बना लीजिएगा, ठीक है। उस इनपुट वाले जो सिटी में डालूंगा, इसमें से उस डेटा को फिल्टर करके उसी सिटी के डेटा हमें मैसेज बॉक्स में बताएगा, समझ गए। अब इसका यूज बोले कहां करेंगे, जैसे मान लीजिए ना कि आप हम लोग क्या करते हैं कि एक रिपोर्ट हमारी होती थी, उस रिपोर्ट का हम लोग डेटा को अपडेट करते थे, लेकिन डेटा को जो हम अपडेट करते थे वो डेटा को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होता था, तो फाइल खोल के फिर चेक करना उससे अच्छा था कि हम फाइल को क्या करते थे, ब्राउज बटन बना के उसको ऐड कर देते थे। तो जैसे वो जो कंडीशन से आज का डेट का डेटा चाहिए, मेरा जिस कंडीशन का डेटा चाहिए उस कंडीशन का डेटा को लेता था और मैसेज बॉक्स में हमें दिखा देता था, भैया मैं ये डेटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपके रिपोर्ट फॉर्मेट में, यस एंड नो का ऑप्शन आता था, हम डेटा देख लेते थे, अगर डेटा हमारा हिसाब से सही है तो यस पे क्लिक कर देते थे, फिर देखते थे नहीं नहीं कहीं पे गड़बड़ है तो नो पे करते थे, फिर हम डेटा को सही करते थे। बात समझ में आया कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए ना कि आप जो है एक आपका डेली बेसिस पे एक मास्टर फाइल है, डेली बेसिस पे मेल आता है उसके डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब इस चीज के लिए आपने मैक्रो बना दिया, लेकिन पेस्ट करने से पहले एक नजर डेटा देखना पड़ेगा ना आपको, क्या? यस सर, मैं समझ गया। तो वहां पे मैसेज में दिखा देगा यस या नो का ऑप्शन होगा, यस करेंगे तो पेस्ट करेगा, यस ना करेंगे तो पेस्ट नहीं करेगा। तो आपको आपको आज की चीज माइक्रो को रेफरेंस में लेते हुए मुझे इसी तरह का चीज बनाना, तो क्या बनाना है आपको, एक डेटा के ऊपर, एक डेटा के ऊपर, एक कॉलम के ऊपर सबसे पहले इनपुट बॉक्स देना है ताकि वो पूछे कि डू वांट टू, मैंने कि किस फील्ड किसका डेटा चाहिए आपको, आपने उस पर डेटा डाल दिया पूजा, तो फिर वो पूजा का डेटा डेटाबेस से फिल्टर करेगा, चाहे एक हो, 100 हो, 1000 हो, तो सारा डेटा को मैसेज बॉक्स के ऊपर डाल के और आपको रिप्रेजेंट करेगा। आप यस पे क्लिक करोगे तो आगे प्रोसेस करेगा, नो पे क्लिक करोगे तो स्किप करेगा। इसका मैक्रो आप लोग बना के मुझे भेजिए, फिर कल हम आपको बताएंगे कि ब्राउज बटन कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके सर, ठीक है। तो कल की क्लास की टॉपिक रहेगी ब्राउज बटन कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।